तो अगर आप भी रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी और बुमराह को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने पहले दिन बनाए 70 रन से आगे खेलना किया शुरू, ठोक डाला शतक, बने भारत के इतने रन और फिर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम के जसप्रीत बुमराह ने एक ही ओवर में चटका डाले 4 विकेट। तो यह देख मोहम्मद शमी भी कहां रहने वाले थे पीछे, पलट कर रख दिया पूरा मुकाबला। तो भारत श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में से कौन अच्छा गेंदबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज जारी है और पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के हित में 2 दिन तक तो रहता हुआ नजर आया। लेकिन दोस्तों, दूसरे दिन भारत के ऊपर दबाव बनने के बाद भी हमारे गेंदबाजों ने जिस तरह की वापसी टीम इंडिया की करवाई कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने तो चमत्कार कर दिखाया। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि भारत और श्रीलंका के बीच कल जब पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ था तो यहां पर रोहित शर्मा ने टीम के लिए 143 रन बनाए थे, तो सरफराज खान ने 86 रन की पारी खेली थी और रविंद्र जडेजा ने पहले दिन के खेल को समाप्त करने तक 77 रन पर नाबाद अपनी पारी छोड़ी थी और इसके चलते भारत की टीम 354 रन बनाने में कामयाब रही। अब दूसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तो 354 रन से भारत ने आगे खेलना शुरू किया। भारत के हाथ में अभी भी 4 विकेट मौजूद थे और रविंद्र जडेजा पर हर कोई अपनी आंखें जमाए बैठा था। इस दौरान रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल साझेदारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही 5वें ओवर में लाहिरू कुमारा ने एक और बड़ी सफलता भारत के खिलाफ ले ली। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल यहाँ 22 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब अक्षर पटेल का विकेट गिर जाने के बाद उतरे जसप्रीत बुमराह, जंच बस छक्के चौके लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने 10 रन बनाए तो वहीं मोहम्मद शमी ने 8वें नंबर पर उतरकर भारत के लिए 17 रन की पारी खेली। लेकिन दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने आज 33 रन जड़कर पहले तो अपना शतक पूरा किया और शतक पूरा करते के साथ ही वो अपना विकेट भी खो बैठे और यहाँ भारतीय टीम ने अपने 10 विकेट गवाए 436 रन बनाकर। अब दोस्तों, टीम इंडिया ने तो पहली पारी में 400 रन का आंकड़ा पार कर दिया था और श्रीलंका की टीम को अब इस आंकड़े को पार करके पहली पारी में लीड हासिल करनी थी। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका की टीम भी क्या जानती थी कि इतनी अच्छी शुरुआत के बावजूद भी आज उनको दिन का खेल समाप्त होने तक ऐसा भी कुछ देखना पड़ेगा। दरअसल हुआ ये था कि श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत करने निशान मधुशंका और दिमुथ करुणारत्ने उतरे। अब दोस्तों, यहाँ इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए भारत के खिलाफ 55 रन की साझेदारी कर डाली थी। अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी इसी चिंता में थे कि आखिरकार इन बल्लेबाजों का विकेट गिराया कैसे जाए। लेकिन दोस्तों, तभी रोहित शर्मा ने फैसला किया कि क्यों ना जसप्रीत बुमराह और दूसरी तरफ से मोहम्मद शमी को लगाया जाए और यही बल्लेबाज कुछ कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर साझेदारी और आगे बढ़ी, 74 रन पर पहुंच गई, लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह ने एक यॉर्कर लेंथ की गेंद पर सबसे पहला बड़ा झटका श्रीलंका की टीम को निशान मधुशंका के रूप में दिया। अब यहाँ निशान मधुशंका 52 रन बनाकर आउट हो चुके थे। अब पहला बड़ा विकेट गिर जाने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे कुशल मेंडिस, जिनका पता ही नहीं चला कब आए और कब चले गए। दरअसल दोस्तों, मोहम्मद शमी जब पारी का 25वां ओवर करवाने के लिए आए थे तभी इसी ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद शमी ने लेग ब्रेक गेंद पर उनको बॉल आउट कर दिया और यहाँ कुशल मेंडिस मात्र 14 रन ही बना पाए। अब दोस्तों, दो बड़े झटके श्रीलंका की टीम को लग चुके थे। एक समय ऐसा था जब श्रीलंका अपने विकेट गिराने से पहले इतना सोच विचार कर रही थी और अब समय ऐसा आ चुका था कि श्रीलंका की टीम ने 2 विकेट खोने के बाद अभी भी अपने जज्बे को कायम रखा। इस दौरान दिमुथ करुणारत्ने और एंजेलो मैथ्यूस ने मिलकर साझेदारी को संभाला। अब यह दोनों बल्लेबाज इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे करके 150 रन के पार लेकर जाया जाए। लेकिन दोस्तों, हमारे गेंदबाज तो आज अलग ही इरादे के मूड में थे। हुआ ये कि जसप्रीत बुमराह अब पारी का जब 27वां ओवर करवाने के लिए आए तो इसी ओवर की तीसरी ही गेंद पर आउटसाइड ऑफ लेंथ की गेंद जसप्रीत बुमराह ने करवाई, जिस पर दिमुथ करुणारत्ने पूरी तरह से भौचक्के हो गए और 74 रन पर खेल रहे दिमुथ करुणारत्ने अपने बल्ले का भारी किनारा खोल बैठे और गेंद बल्ले से लगकर पीछे खड़े स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों में चली गई और रोहित ने ये दमदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को तीसरी बड़ी
सफलता दिलाई और इस दौरान दिमुथ करुणारत्ने 74 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों श्रीलंका की टीम ने 3 विकेट अपने गवा दिए थे और अभी भी श्रीलंका की टीम भारत के कंपैरिजन में पहली पारी के हिसाब से देखा जाए तो 290 रन पीछे थी। अब टीम इंडिया पर कोई दबाव तो था नहीं, लेकिन अब उनको जल्द से जल्द श्रीलंका के विकेट चटकाने थे। अब जसप्रीत बुमराह फॉर्म में आ चुके थे, मोहम्मद शमी ने भी एक विकेट ले लिया था, तो अब बारी थी कुलदीप यादव की, जहां कुलदीप यादव ने 30वें ओवर की पहली ही गेंद पर यहां एंजेलो मैथ्यूज को अपना शिकार बनाया और एंजेलो मैथ्यूज इस मुकाबले में 23 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब 4 बड़े विकेट श्रीलंका की टीम ने गंवाने के बाद यह फैसला किया कि वो मैच को थोड़ा धीमे आगे बढ़ाएंगे। अब यहां दिनेश चांदीमल और धनंजय डी सिल्वा कप्तान ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब फिर से एक छोटी सी साझेदारी पनपती हुई नजर आने लग गई। यहां पर भारतीय टीम पर अभी भी दबाव बनता चला गया, क्योंकि दोस्तों श्रीलंकाई खिलाड़ी अगर अपने विकेट नहीं देंगे तो जो टीम इंडिया ने स्कोर बनाया है आर प्रेमदासा स्टेडियम पर 436 रन, वो इतना कारगर रहेगा नहीं। अब यहां विकेट लेने के लिए फिर से जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया, लेकिन दोस्तों इस बार जसप्रीत बुमराह कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दरअसल दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने आते से ही धनंजय डी सिल्वा, जो कि 42 रन पर नाबाद खेल रहे थे, उनके रूप में 5वां झटका श्रीलंका की टीम को मिला। अब कप्तान जब आउट हो गया तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह की ऐसी गेंदबाजी देखकर मोहम्मद शमी भी पीछे नहीं हटे। जब मोहम्मद शमी ने दिनेश चांदीमल को एक ही ओवर में 21 रन पर आउट किया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे विश्वा फर्नांडो पहली गेंद पर मोहम्मद शमी की आउट हुए और फिर कमिंदु मेंडिस का विकेट भी मोहम्मद शमी ने इसी ओवर में लिया और 3 रन बनाकर वो भी डगआउट की तरफ लौटे। अब यहां जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के ऐसे चमत्कारी प्रदर्शन के आगे श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार ही नहीं था। अब यहां श्रीलंका की टीम ने अपने 8 विकेट बस मात्र 236 रन के कुल स्कोर पर ही गवा दिए थे। अब भारत को जरूरत थी कि श्रीलंका की टीम पर इस दबाव को कायम किया जाए और जो 2 विकेट बचे हुए हैं उनको भी गिराया जाए, लेकिन दोस्तों आज दूसरे दिन का मैच समाप्त तो होने तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया। हुआ ये कि प्रभात जयसूर्या और लाहिरू कुमारा ने अभी पारी को संभाल कर रखा है और यहाँ लाहिरू कुमारा जो कि 16 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो वहीं प्रभात जयसूर्या ने 27 रन की पारी अभी तक अपनी टीम के लिए खेल ली है और श्रीलंका की टीम अभी भी भारत के कंपैरिजन में 164 रन पीछे है। और अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा यही चाहेंगे कि तीसरे दिन का मुकाबला जब शुरू हो तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी अपनी चमत्कारी गेंदबाजी से श्रीलंका के इन दोनों बल्लेबाजों को अभी विकेट जल्द से जल्द गिराएं, क्योंकि भारत जितनी जल्दी आउट करेगा फिर से भारत बल्लेबाजी पर आएगा और एक बड़ा स्कोर अगर भारत ने श्रीलंका के आगे रख दिया 500-600 रन का तो टीम इंडिया को फिर हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आप सभी क्या मानते हैं भारतीय टीम की ऐसी शानदार गेंदबाजी को आज दूसरे दिन देख लेने के बाद, और आप जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शमी को ऐसी गेंदबाजी के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद आपको दिखाई हुई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं भी मत जाइएगा तीसरे दिन की हाईलाइट वीडियो देखने के लिए भी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों पहले दिन श्रीलंकाई गेंदबाजों को धूल चटाकर रोहित शर्मा, सरफराज खान, जडेजा ने लिया बदला, तो अब जडेजा ने आगे दूसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए आखिर बना डाले हैं कितने रन, भारत का स्कोर क्या चल रहा है, कितने विकेट भारत के गिर चुके हैं, सब आपको दूसरे दिन के मुकाबले के इस लाइव वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है और दोस्तों इस पहले मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा था, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर आर प्रेमदासा की इस पिच को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों शुरुआत में तो टीम इंडिया के विकेट इस कदर गिरे थे कि एक समय ऐसा था जब 56 रन पर भारत ने 4 अपने विकेट गवा दिए थे, लेकिन दोस्तों फिर टीम इंडिया ने ऐसी जबरदस्त वापसी की कि इस मुकाबले में भारत की टीम ने 350 के पार स्कोर को पहुंचा दिया। दरअसल हुआ ये था कि यहां रोहित शर्मा और सरफराज खान ने मिलकर पारी को संभाल लिया था, जहां रोहित शर्मा ने 143 रन बनाकर कमिंदु मेंडिस का शिकार बने थे और दोस्तों कमिंदु मेंडिस ने यह विकेट लेने के बाद फिर सरफराज खान का भी विकेट
विकेट चटका दिया था, जो कि इस मुकाबले में 86 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों पहले दिन का खेल समाप्त होने तक रविंद्र जडेजा ने यहां भारतीय पारी को संभाल कर रखा, जिन्होंने 77 रन बनाकर भारतीय टीम की पकड़ इस मैच में और भी ज्यादा मजबूत करवाई। हालांकि हम आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की बल्लेबाजी अभी भी मैदान पर जारी है, जहां दोनों बल्लेबाज अब दूसरे दिन यही कोशिश करेंगे कि जैसे तैसे करके अपनी टीम को यहां से 450 रन के करीब लेकर जाया जाए। क्योंकि दोस्तों अगर आर प्रेमदासा मैदान पर भारत की टीम 400 रन के पार पहुंच जाती है तो टीम इंडिया बड़ी आसानी से इस मुकाबले को एक ही पारी में समाप्त करने का दम रखेगी। क्योंकि दोस्तों श्रीलंका के पास इतना अच्छा बल्लेबाजी ऑर्डर है नहीं कि वो वहां से वापसी कर सके। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के लिए यह कर पाना मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन होगा। लेकिन दोस्तों भारत के पास अभी गेंदबाजी में भी कई ज्यादा विकल्प मौजूद हैं, जहां जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम को मजबूत पकड़ देंगे और यही खिलाड़ी श्रीलंका की टीम को 150 रन पर ऑल आउट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए टीमों के बारे में तो दोस्तों आपको पूरी प्लेइंग 11 टीम भी भारत की बता देते हैं, जहां भारत के लिए पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने की थी। तो वहीं तीसरे नंबर पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने उतरे, चौथे नंबर पर विराट कोहली को मौका मिला, पांचवे नंबर पर सरफराज खान टीम इंडिया का हिस्सा बने। तो वहीं रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत टीम का हिस्सा है। तो ऐसे में दोस्तों ये है भारत की प्लेइंग 11 टीम, जो कि हम सभी को पहले टेस्ट मुकाबले में खेलते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर श्रीलंका की टीम के बारे में भी हम जान लें तो दोस्तों श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत निशान मधुशंका, दिमुत करुणारत्ने ने की। तो वहीं फिर कुशल मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चांदीमल और धनंजय डी सिल्वा को मध्यम ऑर्डर में पारी संभालने का मौका दिया गया। तो वहीं फिर गेंदबाजी में कमिंदु मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, विश्वा फर्नैडो, असिता फर्नैडो और लाहिरू कुमारा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये है श्रीलंका की टीम, जो कि भारत को हराने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन दोस्तों हमारे भारत के खिलाड़ी ऐसा बिल्कुल भी होने देना नहीं चाहेंगे। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारत और श्रीलंका में से आज पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको दिखाई हुई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।